हेलो गाइस, हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। अभी मैं रिक्शा पे हूँ और मैं जा रहा हूँ दिल्ली के जोगीवाड़ा, जहाँ पे हबीब सैलून है। तो आज बैठा हुआ था तो सोचा कि बाल थोड़ा बड़े हो गए हैं और थोड़ा दाढ़ी वाढ़ी भी शेविंग करा लूँ। तो वहाँ पे बहुत अच्छा सैलून है जो मेरा फेवरेट है। मैं दिल्ली जब भी रहता हूँ तो मैं अपना जो है ना, मतलब दिल्ली में हबीब सैलून है तो मैं वहाँ पे अपना बाल जो है ना सेट करवाने जाता हूँ। अब देख सकते हैं, अभी रिक्शा पे हूँ मैं और ये रिक्शे वाले भाई हैं जो भी हमारे साथ हैं और बेचारे हमको ले जा रहे हैं। तो मैं अभी जा रहा हूँ वहाँ, दाढ़ी सेट कराऊँगा, बाल सेट कराऊँगा। तो थोड़ा और दाजी वजीब सा हो गया है, मास्क जरूरी है। अभी मैं जा रहा हूँ जोगीवाड़ा सैलून में अपना तो दाढ़ी बाल सेट करवाऊँगा और बहुत दिनों से सोच रहा था, टाइम ही नहीं मिल रहा था तो कुछ सोचा कि आज जाना चाहिए। देखता हूँ अगले ब्लॉग में। तो मैं गया था लाल मंदिर, आपने देखा ही था, लेकिन वो बंद पड़ा था। नहीं, आगे करना है भैया, तो वो तो बंद पड़ा हुआ था लाल मंदिर, तो उस दिन मैं दर्शन भी नहीं कर पाया। और आज जा रहा हूँ हबीब, अब पता नहीं, देखते हैं हबीब में क्या है, बंद है या चालू है। ऐसे तो खुल जाना चाहिए क्योंकि हेयर कटिंग का दुकान जो है ना सुबह ही खुलता है। बैठा हूँ, आप देख सकते हैं मैं भी सो के उठा और उठ करके सीधा चल दिया गाइस। तो अभी मैं जा ही रहा हूँ, आप देख सकते हैं अभी मैं जा रहा हूँ। सीधा चला जाता है फतेहपुरी, ये रोड सीधा फतेहपुरी जाता है और हम अभी फतेहपुरी के रोड में हैं और आगे आएगा बल्लीमरान, वहाँ से कटेंगे हम और वहाँ से कट करके अंदर जाएंगे। अभी हम चल ही रहे हैं और मैं रिक्शे पे हूँ और रिक्शे वाले भाई लेके जा रहे हैं मुझे आज। यहाँ का रिक्शा भी बहुत प्यारा है, आप लोग कभी दिल्ली आए तो दिल्ली का रिक्शा पे जरूर, खास कर जो है ना रेड फोर्ट से जो है ना फतेहपुरी का जो है ना सफ़र तो ज़रूर आप लोग करें, क्योंकि वो इतना प्यारा रोड है। देख सकते हैं ये रोड कितना प्यारा है और बहुत ही अच्छे डिजाइनिंग किया गया है। और मैं अभी आ गया, पंडाल कितना बड़ा हुआ है, कैसा दिख रहा है अभी, और मैं भी थोड़ा सेटिंग करवाऊँगा। अभी स्ट्रेट नहीं करवाना है मुझे, तो और लंबा करना है, उसके बाद मुझे स्ट्रेट भी करवाना है। मैं स्ट्रेट कराते हुए भी दिखाऊंगा आप लोगों को। अभी पर मैं बैठा हूँ वहाँ सैलून जाती है, ये मेरा बहुत फेवरेट जगह है, बहुत ही शांतिपूर्वक यहाँ पर रहता हूँ, आता हूँ बड़े आराम से जो है काम होता है। और अभी मेरा जो है ना बच्चे आने वाले हैं, मैं थोड़ा पहले आया हूँ, मुझे उम्मीद था कि बंद हो गया, लेकिन अच्छा हुआ बाइक वट चालू था। मेरे थोड़ा मन में मैंने रास्ते में बोला था क्या पता जा रहा हूँ, नेक्स्ट ब्लॉग में आपने देखा था पहला मेरा बैक वाले में कि मैं इंडिया गेट गया और वहाँ पे जो है ना जाने के बाद वो मंदिर बंद पड़ा हुआ था, फिर मैं बड़ा मायूस हो गया। फिर मैं वहाँ का थोड़ा सा लोकेशन घूम के वापस हुआ था, पर आज मेरा जो है ना यह खुला हुआ मिला सैलून, बाल सेट करवाते हैं, बड़ा खुशी हुआ। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा, थोड़ा देर में मेरा जो है ना बाल भी सेटअप हो जाएगा, देख लूँगा, फिर आपको मिलता हूँ। प्लानिंग भी करना है, तो मैं यहाँ से निकलूँगा और बहुत
ही अच्छा सर्विस दिया इन्होंने, बहुत ही अच्छा लगा। अभी मैं यहाँ पे हूँ, आप देख सकते हैं बाल उल सब सेट करा लिया मैंने, बहुत ही अच्छा मतलब लगता है मुझे। जब भी आता हूँ मैं यहाँ आता हूँ, मैं देख कराता हूँ, आप देख सकते हैं सब हमारे मिस्टर लोग हैं, हमारे खास मतलब फ्रेंड है जिन्होंने मेरा बाल सेट किया, दाढ़ी सेट किया, और मैं वैसे इनके पास आता हूँ, बहुत अच्छा मुझे सर्विस देते हैं। गया हूँ मैं रिक्शे पे और अब निकल चुका हूँ मैं अपने रूम के लिए। तो आप देख सकते हैं मैंने रिक्शा ले लिया और मैं अभी थोड़ा गलियों के रास्ते से जा रहा हूँ, इसका नाम है जोगी वाड़ा। जा रहा हूँ क्योंकि इधर रिक्शा अलाउड नहीं था, तो मुझे पैदल वहाँ से चल के आना पड़ा। दिख रहा है मंदिर, दिख रहा है वहाँ तक मुझे। और यहाँ दिल्ली का बहुत बड़ा मॉल बन रहा है, ओमेक्स मॉल, जो कि शायद दिल्ली का सबसे बड़ा मॉल होगा, चांदनी चौक मेट्रो के पास में। और सामने भी एक मॉल बन रहा है, तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होने वाला है यहाँ पे, और बहुत ही सुंदर यहाँ का दृश्य होगा आने वाले समय में। और मैं थोड़ा पैदल चल के जा रहा हूँ, क्या करें, जाना तो पड़ता है ना, ऐसे भी थोड़ा पैदल चलना भी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होता है गाइस। तो आप लोग भी थोड़ा जो है ना सुबह सुबह जॉगिंग कीजिए, हम तो जो है ना हमेशा चलते हैं गाड़ियों से, दूसरे से क्या थोड़ा चल के भी जाना चाहिए। और वैसे भी बेचारे रिक्शे वाले बाबा बहुत बुजुर्ग थे, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। और मैं अभी आ गया हूँ, बहुत ज़्यादा चला नहीं फिर भी, तो ये दिखा, आप देख सकते हैं बहुत प्यारा मंदिर है ये, तो आप लोग मंदिर दिखाता हूँ, मंदिर है, आप लोग प्रणाम कर सकते हैं। ये रास्ते हैं और इधर से होते हुए मेरे को निकलना है, तो गाइस अभी यहाँ रुका हूँ क्योंकि यहाँ थोड़ा सा मेरे को जगह तो थोड़ा कंजेस्टेड है, और थोड़ा जगह तो मतलब ऐसा ही है, पर यह है कि यहाँ पे जो है ना थोड़ा रुकने में क्या होता है कि सब नज़दीक रहता है, मार्केट, गुरुद्वारा, चांदनी चौक सब नज़दीक रहता है, इसलिए नज़दीकी के कारण हमको यहाँ पुराने जो है ना घर पे रुकना पड़ता है। और पुराना है पर यहाँ सुविधा है, तो इसलिए मैं यहाँ रहता हूँ, और यहाँ जो भी आने जाने वाले हैं मिलते रहते हैं, तो इसलिए मैंने आपने देखा सैलून गए, दाढ़ी बनाए, और ये देखिए पर कितनी अच्छी खेल रही है, देखिए एकदम नज़दीक नज़दीक चल रही है, आप देख सकते हैं अभी वो उड़ गई। तो यहाँ पे जो है ना अभी हम ठीक है गाइस, अब मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, ये मेरा रूम है, तो मैं आ गया मैं रूम पे, यहाँ पे अभी मैं हूँ। और आप लोग मेरा ब्लॉग ज़रूर देखिए और मुझे कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और मैं बोल रहा था कि रात में जो है मेरा सामान नहीं था, हेयर सीरम नहीं था, क्रीम नहीं था, टूथपेस्ट नहीं था, मेकअप पाउडर नहीं था, बहुत सारी चीज़ें था जो मैं रात में ख़रीदारी किया, आप लोग मेरे ब्लॉग में देख ही सकते हैं। तो मैंने रात को ही सोचा था कि कल सुबह जाऊंगा बाल सेटिंग करवाने, दाढ़ी सेट करवाने, और मैं सुबह जा कर के जो है ना, क्योंकि मुझे रात में टाइम नहीं मिला, तो मैं रात में थोड़ा सा जो है ना शूट किया अपना जो है ना जहाँ मैं गया हुआ था फतेहपुरी, और सुबह होते होते मैं निकल गया अपना जो है ना बाल के लिए, दाढ़ी के लिए, शूट मतलब सेटिंग के लिए। तो मैं सब करा के आ गया हूँ और मैं अब जाऊंगा नहाने, और नहा कर मैं करूंगा नाश्ता, नाश्ता करके उसके बाद फिर जो है ना
आगे की प्लानिंग करूंगा कि आगे मुझे क्या करना है। तब तक आप लोग जो है ना मेरे चैनल को जो है ना प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन घंटी जरूर दबाइए। ओके, थैंक यू, जय माता दी, माय डियर बेस्ट फ्रेंड एंड ब्रदर, बाय।